फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के ममता विद्यालय के पास से दिव्यांग मामा ने विपक्षियों को फंसाने के उद्देश्य से अपने भांजे का किया अपहरण। बाद में अपने और भांजे की रची झूठी अपहरण की कहानी। नए बाईपास के कोठरी में एक बंद पड़े कुआं में भांजे को डाला। थाना पुलिस और एसओजी ने बच्चे को सकुशल किया बरामद। एसओजी टीम ने थाना पुलिस के साथ मिलकर महज 4 घंटे में झूठी कहानी का किया पर्दाफाश। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दिव्यांग मामा को गिरफ्त में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। पंकज कुमार की रिपोर्ट। उसी से मामा कंस बोल रहे थे पुलिस वाले के, मामा कंस है तू। अच्छा, तो वो ही पकड़ करके लाया था। हाँ, वो ही और यहाँ छिपा दिया था। उसमें गड्ढे में डाल गया था बोरिंग में। अच्छा, अभी बरामद हुआ है। बरामद हुआ है। कितनी पुलिस आई थी यहाँ? पुलिस वाले थे करीब होते 18-20 तो पुलिस वाले थे ही। 5 गाड़ियाँ आई थी। आपके खेत के पास एक पुराना ट्यूबवेल की वो है कोठरी, उसमें एक बच्चा कुएं में मिला है, क्या मामला है पूरा? मामला मैंने सुनने में आया है कि एक बच्चा जो है जिन नगला मिर्जा बड़ा राम सिंह नाम बताया जा रहा है, जिनका देवता है ये, ननियाल में रहता है, तो उसी के मामा ने ये जो है कुएं में ढकेल दिया। बच्चे ने बताया इस बात को, तो फौज जब सूचना मिली तब मैं आया तो देखा बच्चा जो है 3-4 साल का जो बताया जा रहा है, और बच्चे को जिंदा कुएं से निकाल लिया गया। क्या अपहरण का मामला बताया जा रहा है? आशंका तो ऐसी लगती है कि मामला अपहरण का है, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि उसी व्यक्ति ने सुबह से यहाँ लाके बच्चे को ढकेल दिया। फिर पुलिस को भी सूचना बताया जा रहा है कि उसी ने दी है, ऐसा बताया जा रहा है, मेरे संज्ञान में आया है, तो उसी ने सूचना दी, उसी ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। बच्चे को कुएं से सकुशल निकाल लिया गया? हाँ, बच्चे को सकुशल निकाल लिया, किसी प्रकार की कोई चोट नहीं, बच्चा सुरक्षित है। रामगढ़ का प्रकरण है, किस तरह की इसमें कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, आज दिन में लगभग 12 बजे के लगभग में सुनहरी लाल नाम के व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके परिवार के 2 बच्चों का, जिनमें एक की उम्र 18 वर्ष, जो विकलांग था उसने उसकी, और एक रवि नाम के बच्चे की जो 3 साल का था, उसका किडनैपिंग कर लिया गया है। ये किडनैपिंग के बारे में आरोप ये था कि ये किडनैपिंग जो पूर्व में एक मर्डर हुआ था उसके आरोपियों के द्वारा की गई है। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें बरामदी की गई है, जिसमें छोटे बच्चे को कॉन्स्पिरेसी के तहत एक ट्यूबवेल के वेल के अंदर डाल दिया गया था, और जो लड़का, जो अपाहिज लड़का था, ये कृत्य उसी के द्वारा किया गया है। इस कृत्य के आधार पर उसको पकड़ करके जब उससे पूछताछ की गई तो उसने इस बच्चे को ट्यूबवेल के एक वेल के अंदर से बरामद कराया। खुशकिस्मती ये रही कि ये बच्चा जो है एक संभवतः एक बैग के ऊपर गिरा जो पहले से उसके अंदर पड़ा हुआ था, और सॉफ्ट लैंडिंग के कारण इसको कोई चोट नहीं आई। जब छोटे बच्चे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका जो मामा है उसी के द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। मामा हमारे अभी गिरफ्त में है, इसका नाम कृष्ण कुमार है। इससे पूछताछ की जा रही है कि उसके द्वारा ऐसा क्यों किया गया है, और इसमें केस जो है 364 में रजिस्टर किया गया था, उन्हीं धाराओं में इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।